नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जीतिया पर्व में नहाने के दौरान कुल 46 लोगों की मौत हो गई है। बिहार के अलग अलग जिलों में नहाने के दौरान लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मृतकों में 37 बच्चे हैं, 7 महिलाएं हैं, 2 पुरुष शामिल हैं और यह आंकड़ा 46 तक जा पहुंचा है। नीतीश कुमार ने तत्काल मुआवजे का इसे लेकर ऐलान कर दिया है। मृतक के परिजनों को सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो जीतिया पर्व के दौरान मान्यता है कि लोग नदी में नहाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन एहतियात जरूरी था, संग यहां पर लोगों को सतर्कता जरूरी थी, लेकिन इसकी हावी की वजह से देखिए 46 लोगों ने लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवा दी है। और ऐसे में अब इन सभी की मौत के बाद राज्य सरकार की तरफ से सहायता राशि का ऐलान किया गया है। परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो जीतिया पर्व के दौरान कुल 46 लोगों की मौत हुई है।